भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप कर्मी से 15 लाख रुपए लूट मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने बताया, एएसपी कलगांव दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में टीम गठित कर इस पूरे मामले का उद्भेदन किया गया है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि पिछले 12 नवंबर को पेट्रोल पंप का पैसा पंप मैनेजर अपने कर्मी के साथ जब बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी रास्ते में अपराधियों ने घात लगाकर रुपये लूट लिए थे। इस कांड के अनुसंधान एवं छापेमारी के लिए एएसपी कलगांव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पर पीरपैंती थाना क्षेत्र के मधुबन से इस घटना में शामिल अपराधी नीलेश कुमार उर्फ सुमन कुमार उर्फ टिन्ना पिता रामाशीष यादव को एक कट्टा और चार गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पेट्रोल पंप का पैसा बैंक में जमा करने के दौरान रास्ते में 12 नवंबर को लूट की घटना घटित हुई थी, जिस संबंध में पीरपैंती थाना कांड संख्या 244/18 दर्ज किया गया था। इसी कांड के उद्भेदन तथा रुपये की बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक भागलपुर कहलगांव श्री दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा जो एसआईटी का गठन किया गया था उसके द्वारा उसी दिन से लगातार इस मामले में अनुसंधान किया जा रहा है तथा विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में पीरपैंती थाना क्षेत्र के जो दो कांड है 28/17 और 29/17 जिसका अभियुक्त नीलेश यादव जो कि 28/17 जिसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई थी और 29/17 जिसमें लूट की घटना की गई थी पेट्रोल पंप से ही, उसमें उसका जो अभियुक्त नीलेश यादव उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, चार कारतूस और दो मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस जो 244/18 जो कांड दर्ज हुआ है उसमें कई आपराधिक जो गिरोह हैं उस क्षेत्र के उसमें संलिप्तता के बिंदु पे जांच कर रही है। जांच के क्रम में ही यह जो नीलेश यादव है उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो 244/18 है उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, जल्द ही उसमें जो ग्रुप शामिल है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जैसा कि जो उसके ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि 16 लाख रुपये पैसा जमा करने के लिए ले जा रहे थे जिसको लूट लिया गया। सनमार्ग के लिए भागलपुर से सोनू की रिपोर्ट। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।